ध्रुव, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के आदेश से एक ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए यहाँ पर है। दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षकों को भी शामिल करें काउंसलिंग में। जी हाँ मित्रों, इलाहाबाद की हाई कोर्ट बेंच ने ये आदेश अभी जारी किया है कि दूसरे ज़िले में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको भी अब काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन उनका जो नियुक्ति पत्र है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो अभी तक आपको बताते चले कि इनको सम्मिलित नहीं किया गया था काउंसलिंग में, लेकिन अब हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश के बाद इन्हें सम्मिलित किया जाता है। तो आइए देखते हैं पूरी न्यूज़ अपडेट क्या है और न्यूज़ आर्टिकल में क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में कहा है। तो यहाँ पर ये पूरा न्यूज़ अपडेट है जो आर्टिकल में आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, दूसरे ज़िले में कार्यरत शिक्षकों को भी शामिल करें, ये प्रयागराज की आज की अपडेट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों के भर्ती में किसी जिले में इसी पद पर पहले से कार्यरत शिक्षकों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित करने का निर्देश दे दिया है। जो पहले से किसी जिले में इसी पद पर कार्यरत हैं, कोर्ट ने कहा कि उनका चयन परिणाम में भी घोषित किया जाए, अभी तक जो कि नहीं हो पाया था, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी ना किया जाए। नियुक्ति पत्र जारी किया गया तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। मैंने कहा गया कि यदि उनको अंतिम रूप से यदि उनका नियुक्ति पत्र जारी भी कर दिया जा रहा है तो जो अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा उस पर उनका नियुक्ति निर्भर करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अनिल मिश्र व 51 अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता अग्निहोत्री अध्यक्ष हैं कुमार त्रिपाठी ने सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। मैंने 4 सप्ताह के अंतर्गत उन्हें इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। और याचिका के अनुसार पहले से सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, उन्होंने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अन्य ज़िलों में काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा रही थी। अधिवक्ता ने बेसिक शिक्षा परिषद से जारी सर्कुलर का हवाला देकर कहा या कहा गया है कि इसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी सहायक अध्यापकों को किसी भी लोक पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। ऐसा करने से उनके मूल अधिकार का हनन होगा। कोर्ट ने सरकार और बोर्ड से जवाब भी मांगा था, मगर उनको उनकी ओर से ऐसा कोई प्रावधान नहीं बताया जा सका जिसे किसी सहायक अध्यापक को दूसरे ज़िले से उसी पद के लिए आवेदन करने से रोका जा सके। तो मित्रों, ये पूरा मामला 68,500 का है, या जो पहले से बेसिक में कार्यरत हैं किसी अन्य ज़िले में, लेकिन वो किसी अपने मनवांछित ज़िलों में नियुक्ति पाना चाहते थे, उन्होंने 69,000 में भी अप्लाई किया और इन्होंने सुपरटेट क्वालिफाई किया। अब काउंसलिंग में वो मनवांछित ज़िला चाहते हैं या जहाँ पर उनको मिला हुआ है काउंसलिंग कराना चाहते थे, लेकिन प्रदेश गवर्नमेंट ने उन्हें रोक दिया था, माने उन्हें इसमें सम्मिलित करने से मना कर दिया था। तो वो लोग भी कोर्ट की शरण लिए और परिणाम आपके सामने है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको भी अनुमति दे दी है और प्रदेश गवर्नमेंट से 4 सप्ताह के अंदर उस पर जवाब भी दाखिल करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये उनका अधिकार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो अब इसमें और लोग भी सम्मिलित होंगे और कुछ पद उनके लिए भी इसमें से जाने वाला है, वो बात दूसरे नियुक्ति पत्र में। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों के लिए ये राहत बड़ी भरी खबर है जिन्होंने आस लगाए रखा 1.5 साल तक और अपने रिजल्ट का इंतज़ार करते रहे, और रिजल्ट आने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब उन्हें मनवांछित ज़िला मिल सकता है उनके मेरिट के अकॉर्डिंग। तो उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये अपने और मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं जो इस तरह के मित्र हैं, उन्हें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए बैड न्यूज़ है जो पहले से अपने मेरिट के आधार ज़िलों में चयन पा चुके हैं, उनको भी इधर उधर किया जा सकता है। तो उनका अब जो पहले से ज़िला मिला वो सिक्योर नहीं है, लेकिन भाई किसी को लाभ किसी को हानि तो होना ही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।